तो ये ऐनिश खान है, हमारे जुनेद जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट है, बाई पी सी में इन्हों पढ़ते हैं, और जो है अभी जो रिज़ल्ट आया आई पी का, उसमें ऐनिश के मार्क्स जो है आउट ऑफ 440, मतलब आई पी सी 440 मार्क्स का रहता टोटल, तो 440 में से कितने आए, मैंने बोलता हूँ ऐनिश बोलते हैं, ऐनिश बेटे कितने आए बेटा? 426 मार्क्स बाई पी सी में, फिजिक्स में 60 out of 60 है ऐनिश को, मजाक है क्या 60 out of 60, ऐसा हर किसी को नहीं आ सकते हैं मार्क्स, बड़ी मेहनत करना पड़ता, कड़ी यानी कि पेरेंट्स की बातें सुनना पड़ता, माँ बाप का एहसास रखना, उस्ताद की इज्जत से ये चीज़ें मुकम्मल होते और ये रिजल्ट्स आते। ऐनिश वैसे बेटा यहाँ पर अपने कॉलेज में आपकी जो जर्नी थी वो कैसी थी जूनियर जूनियर कॉलेज में ज्वाइन होने के बाद? इना फन में बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाया और कभी भी प्रेशर नहीं डाले कोई भी टीचर्स हम लोग पे, और बहुत अच्छा मेथड था पढ़ाने का, मतलब कभी भी यूट्यूब की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। टेंथ में तो स्कूल में बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखते थे, स्कूल में भी जाते थे, फिर यहाँ पे घर में आके भी यूट्यूब देखते थे, लेकिन यहाँ कॉलेज में कभी यूट्यूब हम टच भी नहीं करे। सर इतना अच्छा पढ़ाते थे, इशरत मैम बहुत अच्छा पढ़ाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह सब इतने अच्छे मार्क्स आ गए, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे कॉलेज की एक फील्ड ट्रिप थी, अपन जो है एक फील्ड ट्रिप पे गए थे, वो कैसी थी वहाँ ट्रिप? बहुत ज़्यादा फन थी और सब जने बहुत मज़ा करे, स्टार्टिंग में ही थी अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली वो फील्ड ट्रिप मतलब नारकोटिक्स के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस थी पुलिस कमिश्नरेट में, तो सारे बच्चों को वहाँ पर अवेयरनेस के लिए लेके गए थे और बच्चे बहुत ज़्यादा सीखे वहाँ पर से, तो खैर ये भी एक अच्छा पार्ट था, बच्चे जो है प्रेशर फ्री पढ़े, ऐसी नाम रोशन करना जैसा ऐनिश अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे, अपने उस्ताद का नाम रोशन करे, हर बच्चा वैसे ही करना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह अच्छा रखे, खुदा हाफिज़।